मौसम तंत्र में बदलाव का असर अब प्रतिवर्ष अलग रूप में देखने को मिल रहा है। वर्ष 2021 में 2022 के कोरोना काल से शुरू हुआ ये असर अब हर साल नए परिवर्तन ला रहा है। कोरोना में घर में लोगों की मौजूदगी वे आवागमन के साधन बंद होने से, गर्मी के तेवर कमजोर पड़ने से गर्मी की तिमाही ने पंखे, कूलर, आइसक्रीम, शीतल पेय पदार्थ की बिक्री को ग्रेन लगा दिया था। वर्ष 2023 भी कुछ इस तरह का रहा, जिसमें गर्मी तिमाही के अंतराल में होने वाले मौसम परिवर्तन ने मौसम में ठंडक रखी, जिसका सीधा असर आइसक्रीम, शीतल पेय पदार्थ, कूलर, एसी की बिक्री पर देखने में आया। इन चीजों की खरीदारी प्रभावित होने से व्यवसाय करने वाले दुकानदार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वर्ष 2023 में अप्रैल से जून माह में बेमौसम की बरसात होने से फिर से कूलर एसी वालों का धंधा फीका कर दिया, लेकिन बरसात ने तिरपाल तथा बरसाती बेचने वालों के व्यवसाय को मानो चार चांद लगा दिए। अप्रैल से जून माह में बरसात होने से मौसम में गर्मी का तीखापन नहीं आया तो कूलर व पंखे के साथ शीतल पेय आइसक्रीम की बिक्री भी प्रभावित हुई। खेत में काट कर रखी हुई फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को तिरपाल व बरसातिया खूब खरीदनी पड़ी। यह सिलसिला उस समय भी यहां देखने को मिला जब मंडी में किसान जींस बेचने आया और बेमौसम की बरसात हुई तो बरसाती पानी से बचाने के लिए उन्हें नगर के बाजारों में बरसातिया खरीदने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही थी। बरसाती तिरपाल बनाने वाली कंपनियों के साथ इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को धंधा खूब चलने पर वर्ष 2024 में उन्होंने पहले से स्टॉक करके रख लिया, लेकिन प्रकृति ने फिर इसके विपरीत असर दिखाई दिया। इस साल गर्मी के तेवर नौतपा से पहले और बाद में तीखे होने से घरों के पंखे जब गर्म हवाएं फेंकने लगे तो आमजन इससे ज्यादा प्रभावित हुए। कूलर एसी की डिमांड ज्यादा निकलने लगी। कोरोना काल से जमा पड़ा माल जब बिक गया तो इनकी मांग के अनुरूप माल नहीं मिलने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक की तेजी कूलर एसी के भावों में आ गई। बरसात होने की आस लगाकर स्टॉक करने वाले दुकानदार अभी मौसम तंत्र में बदलाव होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काश्तकारी सीजन इस बार समाप्त हो चुका है। ऐसे में तिरपाल में बरसाती बिक्री पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसान अभी खरीफ की फसल के लिए खेत तैयार करके मानसूनी बरसात का इंतजार कर रहा है।